प्रभात पिला माने ऑनलाइन टीचिंग क्लास को तुम मानको स्वागत। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभर पुस्तकर रामायण कथा प्रसंगटी को पढ़ेबा। रामायण नाम शुणा मात्रे आम मन भितर को प्रभु श्री रामचंद्र छवि आसी जाए, जहाँ आम पाटी दिन रु विभिन्न कहानी मध्यम बा टीवी धारावाहिक एवं चलचित्र माध्यम रे सुनिछे एवं देखिछे। यह रामायण ग्रंथटी को महाकवि वाल्मीकि संस्कृत भाषा रे रचना करथिले। एथिरे रामचंद्रक जीवन कथा वर्णना करा जायछि। किंतु आज आम जो रामायण प्रसंगटी को पढ़ा जाऊे, यहाँ लिखिंट भक्त कवि मधुसूदन राव। भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य कालर जड़े प्रमुख स्रष्टा। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वैदिक चिंताधारा और आदर्शर पुनः प्रतिष्ठापी बहु प्रबंध और कविता रचना करी से आम साहित्य को समृद्ध करवितावली, बसंत गाथा, साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग इत्यादि लेखकों जनप्रिय पुस्तक। तांको रचित वर्णबोध सहित प्रत्येक ओडिया सुपरिचित। यही प्रसंगे समग्र रामायण कथा खूब संक्षेप वर्णित हो। भारत वर्ष रे अयोध्या नाम गोटे नगरी अच्छी। सेठारे अति प्राचीन काल रे दशरथ नाम रे जने राजा थिले। तांकर तीनी रानी थिले, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ज्येष्ठ रानी कौशल्यांकर पुत्र रामचंद्र, मध्यम रानी कैकेयींकर पुत्र भरत, कनिष्ठ रानी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रे दुई पुत्र थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। चारि भाईंको मध्यरे गभीर स्नेह थिला एवं राम को समस्ते अत्यंत स्नेह और भक्ति करुथिले। राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से रामंकु राज्य देई अवसर ग्रहण करिबा पई संकल्प कले। रामंकु राजा करिबा पई नाना आयोजन हेबाकु लागिला। रामंकर नाना सद्गुण देखी प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले, सुतरां ताहांकर अभिषेकोत्सव वार्ता प्रचारित हेबा क्षणी सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही। ई समय रे दशरथंकर मध्यमाराणी महाविपद घटाइले। से पूर्वे एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथंकु मृत्युमुखरु रक्षा करथिले। सेतेबेले राजा ताहांक प्रति अतिशय संतुष्ट होई दुईटी बर देवे बोली अंगीकार करथिले। किंतु कैकेयी आज जाए कौन बर मागि नथिले। राम राजा हेबा कथा शुणी मंथरा नाम रे जणे दुष्टा दासी रो कुमंत्रणा रे पड़ी कैकेयी हठात दुईटी निष्ठुर बर मागि बसिले। गोटे बर एही जे भरत राजा हुवंतु एवं अपर बर एही जे राम चतुर्दश वर्ष निमित्त वन को निर्वासित हुवंतु। दशरथ अत्यंत सत्यपरायण थिले, से केबे हे सत्यभंग करिनथिले। से पूर्वे दुईटी बर देबे बोली अंगीकार करिथिले, वर्तमान ताहा लंघन करिपारिले नाही। सुतरां रामचंद्र ए खबर को पाई पितृ सत्य पालन निमन्ते वन को गमन करिबा पई निष्पत्ति नेले। रामचंद्र मिथिला राज्यर अधिपति जनकंकर कन्या परमा सुंदरी सीतांकु विवाह करथिले। राम वन जीवे शुणी सीता तांक सहित वन को जीवा पाई प्रार्थना कले। लक्ष्मण पिलाटे दिनरु रामचंद्र को अनुगत थिले। से जेतबेले ही बातटी को जानिबा को पाइले संगे संगे रामचंद्र को प्रार्थना कले तांको सहित वन को गमन करिबा पई। राज्यर समस्त लोक एही संवाद रे दुखित हले एवं चारिआड़े हाहाकार करिबा को लागिले।
ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।